हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नूह पहुंचे। राहुल ने यहां से दक्षिण हरियाणा को साधने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने देश में नफरत फैला रखी है। बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने अमेरिका दौरे पर मिले हरियाणा के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी बताएं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन कैसे बना। ये नरेंद्र मोदी की देन है, वो अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। मोदी सरकार ने अपने दोस्तों समेत देश के 20 से 25 लोगों का अरबों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों को कितना कर्ज माफ किया? कुछ नहीं किया। किसानों के लिए 3 काले कानून लाए। प्रदेश के युवा अपने घरों से दूर रहने को मजबूर हैं। राहुल ने आगे कहा कि सबसे जरूरी बात कांग्रेस के लिए भाईचारा है। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। नफरत को मिटाना है। इस देश में हम नफरत को नहीं जीतने देंगे। राहुल ने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती की बात करते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि उनका चेहरा बदल गया है। अब वो उस बात को नहीं बोलते। हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं। ये बीजेपी की ए, बी और सी टीमें हैं। इन्हें वोट मत दीजिए। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की अपील भी